नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। पेश है अब तक की बड़ी खबरें। कोरोना काल में भारत पहली बार करेगा सैन्याभ्यास, रूस के साथ होगा बड़ा युद्धाभ्यास। सूत्रों ने बताया कि 15 से 26 सितंबर तक दक्षिण रूस के अस्त्राखान इलाके में आयोजित होने वाले सैन्याभ्यास में भाग लेने वाले भारतीय दल में सेना के करीब 150 जवान, भारतीय वायुसेना के 45 कर्मी और नौसेना के कई अधिकारी भाग लेंगे। असम में फिर 6 महीने के लिए बढ़ाया गया अफस्पा कानून, नवंबर 1990 से है जारी। ये कानून सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व सूचना कार्रवाई करने और किसी को भी कहीं भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। संसदीय मामले की कैबिनेट समिति की सिफारिश, 14 सितंबर से शुरू हो मानसून सत्र। इस दौरान 18 दिनों तक संसद की कार्रवाई चलेगी। संसद के मानसून सत्र के लिए जोरदार तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर संसदीय इतिहास में बहुत कुछ पहली बार होने जा रहा है। राहुल गांधी का वार, राहुल बोले महंगा पेट्रोल और बढ़ते दाम, जनता को लूटे सरकार खुलेआम। राहुल की ओर से लगातार दाम बढ़ोतरी के मसले पर सरकार को घेरा जा रहा है। अगर पिछले एक हफ्ते के रिकॉर्ड को देखें तो हर रोज पेट्रोल के दाम में कुछ न कुछ बढ़ोतरी की गई है। वहीं पिछले 10 दिनों में 9 बार पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए। अमेरिका में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना का इलाज, दिल्ली सरकार बोली हमारा मॉडल। डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, वो कहते थे अमेरिका जो आज करता है भारत कल करेगा, दिल्ली ने इसे बदल दिया है। अब कल दिल्ली ने क्या किया, अमेरिका आज कर रहा है। यूपी में 3 महीने में 3 पत्रकारों की हत्या, 11 पर FIR, प्रियंका का योगी सरकार पर वार। प्रियंका ने कहा कि यूपी सरकार का पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता को लेकर रवैया निंदनीय है। बता दें कि बलिया में 24 अगस्त को एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद एक बार फिर पत्रकारों के साथ ही अपराध की घटनाओं की चर्चा होने लगी। ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा है, मैं युवा या बुजुर्ग नहीं कहूंगा, लेकिन गैर जिम्मेदार कम सतर्क लोग जो मास्क नहीं पहन रहे हैं भारत में कोविड-19 महामारी फैला रहे हैं। बाहरी राज्यों के मरीजों और कारोबार खुलने से बढ़ रहे दिल्ली में कोरोना के मामले। आपको बता दें कि जून महीने की शुरुआत में संक्रमित मामलों की दर 30% थी, जो जुलाई के अंत तक कम होकर 6% से कम रह गई। मामले भी घटना शुरू हो चुके हैं, लेकिन बीते एक हफ्ते में मामले फिर बढ़ने लगे। मुंबई हाई कोर्ट का आदेश, व्यक्ति के धन पर केवल पहली पत्नी को दावा करने का अधिकार। कानून के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति की 2 पत्नियां हैं और दोनों उसके धन पर दावा करती हैं, तो केवल पहली पत्नी का इस पर अधिकार है, लेकिन दोनों शादियों से पैदा हुए बच्चों को धन मिलेगा। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में तेज हुआ नस्लभेद विरोधी प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने सिटी सेंटर में लगाई आग। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उन पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग की है जिन पर ब्लैक को गोली मारने का आरोप है। आज की 10 बड़ी खबरों में इतना ही। अन्य खबरों के लिए बने रहें द दस्तक 24 के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।